देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में कमी के साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ के पार पहुंची। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। राजनांदगांव के मानपुर माओवादी हमले में शहीद जवानों को शहादत दिवस के मौके पर दी गई श्रद्धांजलि। और बस्तर संभाग में सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर, कोंडा गांव के गिर गोलीबारी में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ की चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में कमी के साथ ही बीमारी को मात देने वालों की संख्या 3 करोड़ के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल देश में करीब 37,000 नए मरीज मिले। इस दौरान 39,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 4.5 लाख है। वहीं कल 724 मरीजों की मृत्यु हो गई। देश में सक्रिय मामलों की दर कम होकर 1.46% और रिकवरी दर बढ़कर करीब 97% में पहुंच चुकी है। मृत्यु दर 1.32 है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 188 नए मरीज मिले हैं, जबकि 221 मरीज स्वस्थ हुए। कल कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की जान गई। फिलहाल राज्य में 4,784 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन या विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच देश में कोरोना टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। कल 12,35,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। अब तक 37,73,52,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के मंदिरों में धार्मिक आयोजनों के दौरान विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। अनेक स्थानों पर इस बार भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली गई। वहीं मंदिरों में मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रखा गया है। साथ ही सामाजिक दूरी जैसे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया। ओडिशा के पुरी सहित देश के अन्य सभी स्थानों में रथ यात्रा के मौके पर कोविड नियमों के पालन का विशेष ध्यान रखा गया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा औपचारिक रूप से निकाली गई। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी रथ यात्रा में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से सभी स्वस्थ रहें और सबके जीवन में समृद्धि आए। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रथ यात्रा आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है, जो सबको एक सूत्र में बांधने का अवसर देता है। वहीं मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा को सांस्कृतिक एकता और सौहार्द का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए लोग जागरूक रहें और सुरक्षा का ध्यान रखें। राजनांदगांव जिले के मानपुर स्थित कोरकेट्टी माओवादी हमले में शहीद जवानों की शहादत दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के पुलिस लाइन में जनप्रतिनिधियों और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने माओवादी हमले में शहीद जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिस जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही शहीदों की याद में देशभक्ति पूर्ण गीत और भजन के कार्यक्रम हुए। इस मौके पर राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकेगा। सर्वप्रथम तो शहीद विनोद चौबे जी और साथ में 28 जवानों को मैं नमन करना चाहती हूँ।
उनका ये कर्ज छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूलेगा, जिन्होंने हमें बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। मैं आदरणीय चौबे जी और पूरे जवान को सादर नमन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि इनके लिए मैं दो लाइन कहना चाहूँगी कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, और जब आँखें बंद हो तो सपने हिंदुस्तान के हो। मर जाऊँ तो कोई गम नहीं, जब मरूँ तो ये जमी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि 12 जुलाई वर्ष 2009 को माओवादी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत को याद करने के लिए हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जो 12 जुलाई 2009 को मानपुर क्षेत्र में जो तत्कालीन एसपी साहब और जो उनके साथ 29 जवान शहीद हुए थे, उनको नमन करने के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, और हम सब ने उन वीर सपूतों को, वीर शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। जिले के पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा शहीद परिवारों की हर समस्या का निराकरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस विभाग द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान चलाए जाने की वजह से माओवादी घटनाओं में कमी आई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि समाज की मुख्य धारा से भटक चुके माओवादियों को सरकार की पुनर्वास नीति की वजह से मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद इंदुबाला गोस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने 11 महिलाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देकर इसे साबित किया है। रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुश्री गोस्वामी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था नियंत्रण में और अच्छी स्थिति में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं कि आज की स्थिति में भी हम लोगों की अर्थव्यवस्था कंट्रोल में है। तब के आंकड़े निकालेंगे आप अगर, तो आपको पता लग जाएगा कि तब महंगाई की क्या स्थिति थी। आज तो हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और उसके बावजूद भी, इतनी भयंकर स्थिति के बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गरीब, किसान, खेतिहार मजदूर का, हर वर्ग का ख्याल रखा है। इसीलिए गरीब कल्याण जैसी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं ताकि गरीब को भूखा ना सोना पड़े इस बेवा स्थिति में। एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौर में भाजपा महिला मोर्चा ने जरूरतमंद लोगों की मदद का सराहनीय कार्य किया। जब देश में मास्क नहीं थे, मेडिकेटेड मास्क नहीं थे, जब देश में घर घर जाके, जब कोरोना पीड़ित लोग थे उनके घरों में खाने पीने की समस्या थी, गरीब परिवार जब फंस गए थे, दिहाड़ीदार मजदूर जो बाहर की लेबर थी फंस गई थी, उन लोगों को चाहे मास्क घरों में बना के, अपना कपड़ा खुद खरीद के उस कपड़े से मास्क बना के घर घर जाके मास्क बांटने का काम का अगर किसी ने पूरे देश में किया तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने किया है। और साथ ही साथ जो अनाज पहुंचाना कई कई जगह, तो भाजपा और अभी कोरोना में इस सेकेंड फेज में तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने बहुत सारे प्रदेशों में कोविड पीड़ित घरों में जाके भी खाना देके आई है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिला। इससे पहले सुश्री गोस्वामी रायपुर में आयोजित प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में शामिल हुई और प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच आपसी विश्वास और समन्वय को बढ़ाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के धनोरा थाना क्षेत्र के संवेदनशील गांव गिरगोली मारी में सेंट्रल आर्म फोर्स CAF और पुलिस बल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के साथ दूसरे अधिकारी दूरस्थ और पहुंचवीन इलाके के इस गांव तक पैदल ही पहुंचे। इस दौरान सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस विभाग की ओर से स्थानीय ग्रामीणों को जरूरत का सामान बांटा गया, साथ ही बच्चों को पढ़ाई लिखाई और खेलकूद के सामान भी दिए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी।
ग्रामीणों ने क्षेत्र में विकास कार्य, सोलर पंप, आधार कार्ड और स्मार्ट कार्ड की मांग की। इसके साथ ही ग्रामीणों को पुलिस विभाग की ओर से कोरोना महामारी सहित दूसरी संक्रामक बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक भी किया गया। बारिश के मौसम और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कोरिया जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन का अभ्यास किया गया। राजस्व आपदा प्रबंधन की टीम ने बैकुंठपुर स्थित कोविड अस्पताल के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया। खासतौर पर अस्पताल में आग लगने की स्थिति में किस तरह से मरीजों की जान बचाई जाए, अस्पताल परिसर में लाइव डेमो के दौरान राजस्व आपदा प्रबंधन अधिकारी एसएन बोरवणकर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामेश्वर शर्मा सहित दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन की टीम ने बारिश के मौसम को देखते हुए जिले के कई स्थानों पर बाढ़ जैसी उत्पन्न स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर मॉक ड्रिल की गई और बचाव अभियान भी चलाया गया। राजस्व आपदा प्रबंधन अधिकारी श्री बोरवणकर ने बताया कि आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुत सारे कोविड हॉस्पिटल्स में जो आग अग्निकांड हुए हैं, इसलिए शासन का यह मंशा था कि जो हमारा कोविड हॉस्पिटल में स्टाफ है उसको कम से कम आग बुझाने के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके अलावा इस हॉस्पिटल का ऑडिट भी किया, जहाँ जहाँ पर अग्निशमन यंत्र लगना थे उनको भी लगवाया गया। तो यदि किसी छोटी आग के समय में बड़ी आग होने के पहले हमारे स्टाफ को यह मालूम होना चाहिए कि आग कैसे बुझाना है, उसी का एक प्रयास था और उसी का एक प्रशिक्षण था ताकि इन लोगों को आग के बारे में बता सके और इन लोगों से आग बुझवाई जा सके। इसमें ड्राई केमिकल पाउडर, CO2 एक्सटिंग्विशर, उसके अलावा फोम और वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया गया। आज मुख्य रूप से बिजली के फायर और ईंधन का फायर जो होता है उसके बारे में लाइव डेमोंस्ट्रेशन इनसे करवाया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री शर्मा ने दुर्घटना से बचाव के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जरूरी बताया। इधर हिमाचल प्रदेश में आज बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश के बाद बादल फट गए, जिससे जनजीवन प्रभावित होने के समाचार मिले हैं। बारिश के चलते मांझी नदी सहित दूसरी नदियां उफान पर हैं। बादल फटने और नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। धर्मशाला में 10 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं मैकलोडगंज के भागसुनाग में नाले उफान पर आने के बाद सड़कें नदी में बदल गई हैं। इसके चलते सड़कों के किनारे रखे दो पहिए और चार पहिए वाहन पानी में तैरने लगे। कुल्लू में भी भारी बारिश हो रही है। शिमला, मनाली और मंडी में कई जगह आंधी तूफान के कारण लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के कई स्थानों पर करीब 6 घंटों तक लगातार बारिश होने की खबर है। शिमला के रामपुर स्थित बोरनी नाला स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 5 भारी बारिश के कारण बंद हो गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 15 जुलाई तक मौसम खराब रहने की संभावना है और इस दौरान भारी बारिश हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में बीती 1 जून से अब तक 352 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक सुकमा जिले में सबसे ज्यादा 658 मिलीमीटर और मुंगेली जिले में सबसे कम 253 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। एक निम्न दाब का क्षेत्र और द्रोणिका के असर से राज्य के मौसम में बदलाव के आसार हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DT News पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने Android फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DT News लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DT News फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।